दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं फतेह सागर लेक और शाम का नज़ारा कुछ इस तरह का है यहाँ पे। नो डाउट बहुत ही अच्छा व्यू है, बट आप देख सकते हैं अभी जस्ट पहुँचे हम यहाँ पे और आगे निकलते हैं। अभी थोड़ा देखते हैं कहीं कुछ बैठने की जगह मिले हमें, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पर। स्ट्रोलिंग फतेह सागर लेक में, और आप वहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मेरे जो पहाड़ पे आपको दिख रहा है मंदिर जैसा, वो मॉनसून पैलेस है। और क्योंकि उसके टाइमिंग्स हैं और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और यहाँ पे फाउंटेन भी चल रहा है देखो लेक फतेह सागर में, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा व्यू। तो छोटे यही रास्ता होगा शायद जाने का उधर भी मॉनसून पहले से। यहाँ पे आके गेट लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक तो हम बाइक लगा ही सकते हैं ना। ऑल पर पार्किंग करना निषेध है दोस्तों। ये जो फतेह सागर लेक वाला इलाका है, ये वन वे इलाका है, तो हम जिस तरफ से आए थे अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वैसे ही शाम हो चुकी है और यहाँ पे इतना सारा भीड़ है। बोटिंग जो होती है वो दिन में होती है और वो भी बंद हो चुकी थी, तो हमने फैसला किया कि अब हम यहाँ से जाएंगे पिचोला, और वहाँ पर जाके हम कुछ अच्छा ऑथेंटिक राजस्थानी डिनर करने की करेंगे। तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, बाकी देखते हैं। आप मत खाना यार छोटे, कोई बात नहीं, मैं तो खाएगा। तो मेरा तो ऑथेंटिक राजस्थानी खाने का मन है यार। राजस्थान उदयपुर आए और तुमने ऑथेंटिक यहाँ का कुछ नहीं खाया तो फिर क्या खाया, दाल सब्जी तो हर जगह मिल जाती है। तो चलो अभी पिचोला पहुँच के बात करते हैं आपसे, रात को पिचोला का नज़ारा दिखाते हैं। मैं फिर से पिचोला लेक पे आया हूँ, बट मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हम पहली बार दिन में आए थे तो हम उस तरफ थे और अभी इस तरफ हैं, और जो व्यू है यहाँ पे रात को, अभी हम डिनर कर रहे हैं इस छोर पे, तो मैं दिखाता हूँ आपको मेरे बिहाइंड व्यू क्या है। जब हम आए थे तो हम वहाँ पर थे, वो पिचोला लेक है, उसके जो साथ में है, जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ अपना गिम्बल, वो हवेली है, बारों की हवेली, और उसके वहाँ पर आप देखिए आगे, दैट इज़ सिटी लेक पैलेस। इससे ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊँगा मैं आपके लिए, कोशिश की है बहुत, बट वो सिटी लेक पैलेस है। और यहाँ पर ये मेरे सामने का व्यू है, और मैं अभी आपको लेके चलता हूँ टेबल पे। सो ये बहुत ही अच्छी जगह है, हमने थोड़ा गूगल मैप पे सर्च किया इसके बारे में, एंड देन वी फाउंड आउट दिस रेस्टोरेंट फॉर डिनर। तो दिस इज आवर टेबल एंड दिस इज द व्यू। लहरों की तरह तुम पास। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज ये हमारा तीसरा दिन है उदयपुर में, और हम कल गए थे फतेह सागर लेक, तो मैं आपको दिखा रहा था वहाँ से मॉनसून पैलेस सज्जनगढ़। तो अभी हम उसी के एंट्री गेट पे पहुँचे हैं, तो आपको दिखाता हूँ, और हम आज सज्जनगढ़ पैलेस जाएंगे और उसके बाद हम वापस निकल जाएंगे। और आज भी, इस बार भी हमने एडवेंचर से करने की सोची है, तो हमने इस बार लोकल बस का टिकट लिया है, ST का, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो देखते हैं कब तक पहुँचेंगे वापस। तो
खैर वो तो बात की बात है, बट अभी आपको सज्जनगढ़ पैलेस की एंट्री दिखाता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पर हूँ एंट्री गेट पे अभी, सज्जनगढ़। तो यहाँ पे हम अभी टिकट ले रहे हैं, टिकट आई थिंक इट्स 90 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियन सिटीजन्स, और बाइक गाड़ी के लिए चार्जेज हैं। तो दोस्तों हमने टिकट ले ली है पैलेस की, मानसून पैलेस की, सज्जनगढ़ पैलेस की। तो जो टिकट प्राइस है वो 90 रुपीज़ है पर पर्सन, और अब कमर्शियल मतलब पब्लिक, आप अपनी गाड़ी या बाइक ले जाना चाहते हो तो उसके अलग सी फीस है। बाइक की 45 है, कार का मैंने ध्यान नहीं दिया अभी वहाँ पर इतना है, बट यहाँ पे अलग से फीस है। पहले यहाँ पे इनकी खुद की गाड़ियाँ भी चलती थी तो वो भी एक ऑप्शन रहता था, बट उसके अलग से चार्जेज रहते थे, बट अभी कोविड की वजह से वो बंद किया हुआ है। तो अभी हम टिकट लेके आगे निकल चुके हैं, और देखिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है शायद, तो कितना हसीन हसीन रास्ता है ये। और मतलब वहाँ जाना है तो ऊपर टॉप, और हेलो HP की गाड़ी भी दिख गई है हम पे, अपने को डियर्स की बड़ी फोटो लगा रखी है। हेलो डियर्स, डियर क्रॉसिंग। तो मतलब यहाँ पे डियर्स बहुत सारे हैं। ड्राइव तो बहुत शानदार है। आते वक्त तो बाइक पहले सटा सटी आएगी विदाउट ब्रेक्स, चलो ये नीचे। दोस्तों हम फाइनली ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पर थोड़ा रिस्टोरेशन का काम भी चला हुआ है, तो आप देख सकते हैं इधर तो पार्किंग उस तरफ है बाइक्स की, और गाड़ी की पार्किंग इस तरफ है। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। जो हम रात को देख रहे थे वो आज हम दिन में देख रहे हैं ऊपर आके। रेस्टोरेशन का काम तो चला ही हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल ये हम वहाँ से देख रहे थे कि बहुत दूर है वहाँ पर लेक पैलेस, लेक पिचोला, लेक पैलेस, ताज पैलेस, जग मंदिर टेम्पल, और तो इस तरफ जो लेक है वो है फतेह सागर लेक। सो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, और वो जो आपको लाइन दिख रही है ना, वो करनी माता का वो। इतनी दूर हम आ चुके हैं, चीफ ऑफ महाराजा सज्जन सिंह। It's amazing, yeah. This side is awesome. Dosto, this is all from Udaipur, Sajjangarh Palace. और इसी के साथ अब हम निकलते हैं वापस घर की ओर। जल्दी मुलाकात होगी दोबारा किसी नए शहर और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें,
बाय बाय, टेक केयर।